साथियों, आज समय आ चुका है कि आप लोगों को अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि कुछ ताकतें हम लोगों को हमारे अधिकार से दूर कर रही हैं। उन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों, अभी इस मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के सभी अतिथिगणों का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हम देख रहे हैं पार्टी के माध्यम से हम लोगों को हमारे पूरे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। साथियों, हमारे दलित समाज के अंदर जो सबसे बड़ी जाति है चमार जाति, इस पूरी भाजपा पार्टी के अंदर उस समाज जाति को उसके अधिकार नहीं दिए गए। साथियों, हम लोगों को अपने अधिकार लेने होंगे और हम लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। साथियों, गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, बाबा साहेब डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी को मानने वाले लोग, इस देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं। पर साथियों, आप अगर इस चीज को गौर से देखे वो जाके उन आवानों में, देखे जाके उस दिल्ली की संसद में कि आप लोगों की कितने भागीदारी है। इस चीज के लिए आपको संघर्ष करना है, इस चीज के लिए आपको लड़ाई लड़नी है, अपनी माताओं बहनों के सम्मान के लिए इस चीज के लिए आपको लड़ाई लड़नी है। साथियों, हमारे महापुरुष भी बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भी, और हमारे महापुरुष जिन्होंने हमें जमींदार बना दिया, हमको 20-20 बीघे के पट्टे की जमीनें दे दी बाबू जगजीवन राम जी ने, इन सब ने इन माताओं बहनों के लिए संघर्ष किया है, इन माताओं बहनों के सम्मान के लिए संघर्ष किया। साथियों, क्या आप लोगों को इन लोगों के कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए, बताइए साथियों? क्या इन लोगों के द्वारा चलाए हुए उस क्रांति को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए? चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे पार्टी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, हमें अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। साथियों, साथियों, आज चमार जाति का अगर आप देखें, आज पार्टी के माध्यम से खटीक जाति को भी उसकी हिस्सेदारी दी जाती है, वाल्मीकि जाति को भी पार्टी में उसकी हिस्सेदारी दी जाती है, और मेरे ही भाई, ये सभी मेरे भाई जाटों बिरादरी को भी इस पार्टी में हिस्सेदारी दी जाती है। पर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ उस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कि रविदासी समाज के लोगों को इस पार्टी में भागीदारी क्यों नहीं दी जा रही है? इस बात का सवाल आप सब लोगों से, इस बात का सवाल यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से इस बात का सवाल करता हूँ आज मैं। साथियों, हम लोगों ने बीजेपी को यह विरासत दी है, यह ताकत दी है, और अपना अधिकार जो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है, वोट का अधिकार, वो वोट के अधिकार हम लोगों ने इनको देकर सत्ता तक पहुंचाया है। साथियों, इस चीज के लिए आप लोगों को लड़ना है, और पार्टी बीजेपी पार्टी में आप लोगों को अपना सम्मान लेना है और अपने सम्मान के लिए लड़ना है। साथियों 2 अप्रैल की आपकी ताकत का वो असर हुआ कि पूरे समाज को, सर्व समाज को बता दिया जो हम लोगों को सोचते थे, जिनके मन में ये गलत फहमी थी कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अपनी माताओं बहनों के सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते, हम लोग अगर मेरे भाई को दिन दहाड़े काट दिया जाए, हम लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाए, आप लोगों ने 2 अप्रैल की वो ताकत दिखाकर बता दिया कि हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग ताकतवर लोग हैं, और हम लोग अपने सम्मान मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये आप लोगों ने बता दिया। साथियों, इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और दोबारा एक बात कहना चाहता हूं कि दलित समाज की सभी वो जातियां जो दलित समाज में मौजूद हैं, उनको उनकी संख्या के अनुसार, उनकी आबादी के अनुसार उनको उनका स्थान दिया जाए,
जीत के लिए आपको लड़ना है सर।